आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। सभी की अपनी अपनी मातृभाषाएं होती है, लेकिन आज हम आपको दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में बता रहे हैं। 1952 में भाषा आंदोलन के दौरान अपनी मातृभाषा के लिए शहीद हुए युवाओं की स्मृति में यूनेस्को ने 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस बनाने के रूप में घोषणा की थी। इसके बाद 21 फरवरी 2000 को सबसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। ये दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि दुनिया की लगभग 3000 भाषाओं के अस्तित्व पर विलुप्तता का खतरा मंडराने लगा है। विश्व में आपसी भाईचारे को बढ़ाने व संस्कृति के आदान प्रदान में भाषाओं का बेहद योगदान है और इसे संजो कर रखे जाने की कोशिश की जा रही है। भारत की कई ऐसी भाषाएं भी हैं जिन्हें विदेशों में भी अपना रखा है, जैसे भोजपुरी को मॉरिशस में, राजस्थानी को नेपाल में और भोटी को भूटान में मान्यता मिल चुकी है। यूएन के अनुसार विश्व भर में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या लगभग 6000 है, लेकिन इनके बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है या विलुप्त होती जा रही है। 6000 में से 90% भाषाओं के बोलने वाले लोगों की संख्या 1,00,000 से भी कम है। वहीं लगभग 150 से 200 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें 1,00,000 से अधिक लोग बोलते हैं। यह भी अनुमान लगाया जा चुका है कि 40 साल में 4000 से अधिक भाषाओं के खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। अब जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो इन भाषाओं में है जापानी, अंग्रेजी, रूसी, बंगाली, पुर्तगाली, अरबी, पंजाबी, मैड्रोनिन, हिंदी और स्पेनिश। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 50 साल में भारत की करीब 20% भाषाएं लुप्त हो गई हैं। भाषाओं के अस्तित्व को बचाने के लिए कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है और लोगों से कहा जाता है कि अपनी भाषाओं को, अपनी संस्कृति को संजो कर रखें।